सतीश जी, गिरफ्तारी जिसका डर आपको सता रहा था, आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, आज हो गया, अचानक से टीम पहुंचती है गिरफ्तार कर देती है, क्या कहेंगे? देखिए, शाम भर से स्पष्ट है कि गिरफ्तारी होने वाली थी। जिस भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, जिस भारी संख्या में हजारों पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ पिछले कुछ घंटे में यहाँ पे, देखिए ये किसी केस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये किसी जांच से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि दो साल की जांच में अभी तक एक रुपया भी सीबीआई को, ईडी को नहीं मिला है। ये एक राजनीतिक साजिश है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने की साजिश है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक विचार है। वो एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, हजारों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। मैम, सरकार कैसे चलेगी सीएम अगर गिरफ्तार हो जाते हैं? हालांकि आपने रेफरेंडम कराया था, जनता के बीच गए थे, अभी क्या प्लानिंग है, कैसे सरकार चलेगी, कैसे पार्टी चलेगी, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल? देखिए, पार्टी भी चलेगी, सरकार भी चलेगी, और इस देश के संविधान के लिए जो लड़ाई है ये लड़ाई भी चलेगी। अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है, अरविंद केजरीवाल के सैकड़ों सिपाही हैं, सरकार भी चलाने के लिए, पार्टी भी चलाने के लिए, और चुनाव भी लड़ने के लिए। इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। बातचीत के लिए तो ये कैबिनेट मंत्री आतिशी जो सीधे तौर पर कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और रहेंगे भी, इस्तीफा नहीं देंगे सीधे तौर पर। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल से भले सरकार चलानी पड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।